हेलो मित्रों, दुनिया में हर दिन हर घंटे हजारों लाखों क्राइम्स होते हैं, चोरी चकारी मर्डर से लेकर और न जाने क्या क्या। लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसे जानकर आप अपना सर पकड़ लेंगे, क्योंकि हमारी धरती तो धरती अब अंतरिक्ष में भी एक क्राइम सीन बन गया है। जी हाँ, चौंकिए मत, स्पेस में क्राइम हुआ है। और ये क्राइम कौन सा है, किसने किया है और ये वारदात किसके साथ हुई है, ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों, भगवान न करे, लेकिन मान लीजिए आपकी गाड़ी को कोई नुकसान हो जाए और आपको पता न चले कि किसने किया। ऐसे में आप भी पुलिस के पास जाते हैं। दुनिया के किसी भी इलाके में ऐसी घटना हो जिससे किसी को कोई नुकसान हो तो वो स्थानीय पुलिस के पास जाकर अपनी शिकायत दर्ज करता है। इसके बाद पुलिस उसकी तलाश करती है जिसकी वजह से पीड़ित को नुकसान हुआ है। लेकिन अब हमारी धरती से बाहर स्पेस में भी क्राइम रिपोर्ट हुआ है और हमारे वैज्ञानिक क्रिमिनल यानी गुनहगार की तलाश में जुट गए हैं। साइंटिस्ट को लगता है कि आने वाले समय में स्पेस में ऐसे क्राइम्स और ज्यादा बढ़ सकते हैं। ऐसे में उन्हें रोकने के लिए हमें अभी से कड़े कदम उठाने होंगे, इसलिए वैज्ञानिक इस केस को काफी सीरियसली ले रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि ये क्राइम आखिर हुआ किसके साथ है। दोस्तों, स्पेस में हुई इस वारदात का शिकार बना है एक सैटेलाइट जिसे गुनहगार ने चोट पहुंचाई है। अगर धरती वाली भाषा में कहें तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर का केस है। दरअसल सैटेलाइट कंपनी नैनो एवियोनिक्स ने साल 2022 में लॉन्च किए गए अपने MP42 सैटेलाइट को हुए नुकसान की तस्वीरें जारी की हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि उनकी सैटेलाइट में एक छेद हो गया है जो किसी चीज के टकराने से हुआ है। अब आपको ये जानने की उत्सुकता होगी कि इसका अपराधी कौन है। तो दोस्तों, किसी पुलिस केस की तरह ही इस क्राइम केस की इन्वेस्टिगेशन में अब तक वैज्ञानिक यानी पुलिस असली क्रिमिनल तक नहीं पहुंच पाई है। लेकिन माना जा रहा है कि इस वारदात को जानबूझकर अंजाम दिया गया है, यानी किसी और सैटेलाइट या किसी ऑब्जेक्ट की जानबूझकर इससे टक्कर कराई गई जिससे इसमें छेद हुआ है। एक थ्योरी ये भी है जिसमें कहा गया है कि हो सकता है कि कोई छोटा एस्टेरॉयड इस सैटेलाइट से टकरा गया हो। लेकिन पूरे केस में ज्यादा जोर पहली थ्योरी पर है, यानी इस क्राइम का असली गुनहगार धरती पर मौजूद है और वो कौन है ये इन्वेस्टिगेशन में जल्द सामने आएगा। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, इस टक्कर के पीछे कोई साजिश है या फिर कोई नेचुरल प्रोसेस? फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। ऐसी ही तमाम अजीबोगरीब खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल हफ्ता वसूल को सब्सक्राइब जरूर करें।